भारतीय करैत एक विषैला सांप है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। भारतीय करैत एक अपेक्षाकृत छोटा सांप है जिसकी लंबाई आमतौर पर 0.9 से 1.2 मीटर के बीच होती है। इसकी विशिष्ट काली और सफेद धारियां होती हैं, जिसमें एक संकीर्ण सिर और गोल थूथन होता है। भारतीय करैत का विष अत्यधिक विषैला होता है और श्वसन विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। हालांकि सांप अपने विनम्र स्वभाव और टकराव से बचने की प्रवृत्ति के लिए भी जाना जाता है, इसलिए काटने अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। भारतीय करैत मुख्य रूप से निशाचर है, जिसका अर्थ है कि यह रात में सबसे अधिक सक्रिय होता है। दिन के दौरान यह आमतौर पर बिलों में या चट्टानों, लॉग्स या मलबे जैसी वस्तुओं के नीचे छिप जाता है। भारतीय करैत मुख्य रूप से कोबरा जैसी जहरीली प्रजातियों सहित अन्य सांपों को खाता है। यह छोटे कृंतकों और अन्य शिकार को भी खाएगा। भारतीय करैत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं। यह आर्द्र भूमि, जंगलों और कृषि क्षेत्रों जैसे आर्द्र वातावरण को तरजीह देता है और अक्सर नदियों और तालाबों जैसे जल स्रोतों के पास पाया जाता है। भारतीय कोबरा भारतीय उपमहाद्वीप का एक विषैला सांप है। भारतीय कोबरा एक अपेक्षाकृत बड़ा सांप है, जिसकी लंबाई आमतौर पर 1 से 1.5 मीटर के बीच होती है। यह आमतौर पर हल्के से गहरे भूरे रंग का होता है, जिसकी गर्दन पर विशिष्ट काले या गहरे भूरे रंग के हुड जैसे निशान होते हैं। भारतीय कोबरा का जहर अत्यधिक विषैला होता है और इससे पक्षाघात, श्वसन विफलता और मृत्यु हो सकती है। हालांकि सांप अपने चेतावनी प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें उसके फन को ऊपर उठाना और जोर से फुफकारना शामिल है, जिससे लोगों को इससे बचने का मौका मिलता है। भारतीय कोबरा मुख्य रूप से कृंतकों को खाता है, लेकिन अन्य सांपों, छिपकलियों और मेंढकों को भी खाता है। भारतीय कोबरा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह खुले घास के मैदानों, कृषि क्षेत्रों और जंगलों को पसंद करता है और शहरी क्षेत्रों जैसे शहरों और कस्बों में भी पाया जा सकता है। भारतीय कोबरा भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के वाहन के रूप में चित्रित किया जाता है और इसकी छवि आमतौर पर पारंपरिक भारतीय कला और शिल्प में उपयोग की जाती है। हालांकि इसके जहरीले काटने के कारण यह भी भयभीत है और कभी कभी मनुष्यों द्वारा मार दिया जाता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल मूड हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।